आ गया, मौत का सामान आ गया। बिलून को जैसे ही मैं टच करूंगा वहां पर भाई क्लावा आ चुका है मेरे सामने। अरे भाई जल्दी मैच हो जाए भाई, वरना जल्दी वरना क्लाउन आके कभी भी हम लोग को मार सकता है। सो यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा है। सो देखो हम लोग यहाँ पर अभी ये शोवल से हम लोग ने इसको खोदा और यहाँ पर देखो हम लोग को चाबी मिल चुका है। सो हेलो एवरीवन, हॉरर विद फन का पार्ट 3 में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखो लास्ट टाइम अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाओ जाके देखो, बहुत ही मजा आएगा। हाँ सो यहाँ पर देखो अभी सबसे पहले हम लोग को चाबी खोजना है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग को कुछ ये राइफल का एमो ढूंढ लेना है, क्योंकि कभी भी एलियंस आके हम लोग को या फिर मॉन्स्टर आके हम लोग को मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब ये यहाँ पर हम लोग ये जाते हैं यहाँ पर ग्रेवयार्ड में अभी हम लोग, सो कब्रिस्तान जैसे बोल सकते हो, यहाँ पर कितना लाश पड़ा है। तो हम लोग एक डॉक्टर का लाश ढूंढना है जिससे हम लोग उसका लाश को खोद के उससे चाबी लेना पड़ेगा। तो जानते वो डॉक्टर जब मरा भी था ना तो वहां पर क्या था, चाबी लेके वो मरा था और चाबी लेके वो दफन भी हो गया था। सो अभी हम लोग पूरा ढूंढते हुए हम लोग अभी देखते कौन सा कवर होगा उस कवर में जाके। लेकिन यहां पर देखो ये आई थिंक ये चर्च का गेट खुला हुआ है। सो यहां पर देखो ये अभी तो ये खुला नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग को देखो यहां पर देखो रॉबर्ट रोज, इसका हम लोग को कवर मिल चुका है। अब इसको हम लोग को जैसे इसको टच करेंगे यहां पर देखो मौत का सामान आ जाता है, बैलून आ गया हम लोग का सामने। अब इस बैलून को जैसे हम लोग टच करेंगे हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएंगे या फिर दूसरा वर्ल्ड में चले जाएंगे जो क्लाउन का वर्ल्ड है। सो आगे हम लोग बढ़ते हुए इसके आगे भाई इसको टच करने में भी काफी डर लगता है क्योंकि कभी भी क्लाउन आके हमें मार सकता है। सो यहाँ पर देखो जैसे ही इसे मैंने टच किया वहां पर देखो क्लाउन आ गया, क्लाउन आ गया। अब यहाँ पर देखो ये सारे स्टोन जो मुझे मिला है ना, यहाँ पर ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, येलो है, इन सारों को मुझे उस चर्च के अंदर एक डोर है उसके अंदर खोलना है, तब जाके गेट खुलेगा। लोग देखी पाओगे क्लाउन आ चुका है हम लोग को मारने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को रेड स्टोन ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो बड़ी आसानी से हम लोग को रेड स्टोन मिल चुका है भाई। अब जल्दी दूसरा स्टोन भी जल्दी से हम लोग को मिल जाए। सो यहाँ लोग चर्च से यहाँ से हम लोग जाते हैं, चर्च का राइट से हम लोग जाते हैं। ओ भाई फाइनली हम लोग को येलो स्टोन भी हम लोग को मिल चुका है। सो येलो स्टोन को भी हम लोग जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को ढूंढना है हम लोग को ग्रीन और ब्लू स्टोन बाकी रहा है। सो यहाँ सीधा भागते हैं। एक इस पर एक एडवांटेज हम लोग को थोड़ा मिलता है कि मैं थोड़ा स्पीड भाग सकता हूँ क्लाउन से। सो यहाँ पर भी नहीं है भाई, कहाँ पर येलो स्टोन रखा है भाई, जल्दी मिल जाए हम जल्दी मिल जाए। अब यहाँ पर तो भाई साहब भाई अब कहाँ मिलेगा, गेट का बाहर मिलेगा क्या स्टोन? सो यहाँ पर तो भाई ग्रीन स्टोन भी मिल चुका है। यस ग्रीन स्टोन भी हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को लास्ट ब्लू स्टोन ढूंढना है। तो ब्लू स्टोन ढूंढने में थोड़ा तो मुश्किल होगा क्योंकि इतने आसानी से तो ये लोग देगा नहीं हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग शायद हम लोग वापस रेड स्टोन के दरी वापस आएगा, पूरा घूम फिर के वापस रेड स्टोन। अब कहाँ पर ढूंढे भाई ब्लू स्टोन और ब्लू स्टोन? हाँ सो यहाँ पर ढूंढते नहीं, यहाँ पर तो आई थिंक शायद येलो स्टोन हम लोग को मिला था। तो यहाँ पर और आगे चलते देखते शायद यहीं कहीं होगा, शायद मैंने देखा नहीं होगा। सो चलो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी ब्लू स्टोन कहाँ है भाई, ये रहा भाई, भाई तो यहाँ छुपा था भाई, जल्दी आ जाओ ब्लू स्टोन। फाइनली हम लोग को सारा स्टोन मिल चुका है हम लोग को। अब हम लोग क्या करना है, चर्च के अंदर जाना है और वहाँ पर जितना भी मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है या फिर उस गेट के अंदर जो लॉक लगा है उन सारे स्टोन को फिट करना है। लेकिन क्लाउन से भी बच के रहना है हम लोग को क्योंकि कभी भी क्लाउन हम लोग को मार सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए छुपके से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर स्टोन लगाने का बारी है। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टोन है, कौन सा कहाँ लगेगा कोई आइडिया नहीं है मुझे। सो यहाँ पर सबसे पहले लगा था, नहीं शायद ये नहीं लगा भाई, प्लीज़ जल्दी हो जाए भाई। सो अभी हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग ग्रीन लगाते हैं फिर येलो फिर ब्लू रेड फिर ब्लू। हाँ नहीं है ये भी गलत ही निकला है। जो पहले हम लोग क्या लगाए अब शायद सोच रहे हैं थोड़ा ब्लू लगाते हैं, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद येलो। नहीं भाई भाई ये खुला नहीं भाई, कब खुलेगा भाई, जब वो क्लाउन मार देगा तब खुलेगा। उसके बाद रेड ब्लू और ग्रीन और ये येलो। यस यस शायद खुल चुका है हम लोग को ये क्लाउन, हम लोग गेट खुल चुका है, हम लोग गेट जैसे ही खोलते यस बैलून मिल चुका है हम लोग जैसे ही इसे दबाएंगे। फाइनली भाई फाइनली हम लोग अपना रियलिटी में वापस आ गए ड्रीम वर्ल्ड से। अब यहाँ पर देखो हम लोग को एक नया गन मिल चुका है हम लोग को और इसका आई थिंक गोली भी मिल चुका है हम लोग को। नहीं नहीं ये दूसरा बंदूक का गोली पिस्टल का है, हाँ ये वाला शायद गोली होगा इसका शॉटगन का। सो अब यहाँ पर और गोली ले लेते हैं। यहाँ पर देखो जो हम लोग को चाहिए था शोवेल हम लोग को, जिससे हम लोग वो गड्ढा खोदेंगे, हाँ तो वह हम लोग को मिल चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। जो हम लोग को पहले जो पहले मैंने आपको वो कवर दिखाया था, अब वहाँ पर जाके मेरे को डिग करना है, खोदना है उसको। यही था आई थिंक, यही था ना, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं ये शायद ये नहीं था, आई थिंक ये था, नहीं ये भी नहीं है हम लोग का। अब यहाँ पर देखो हम लोग को पूरा हैंड पूरा रेड हो चुका है, ये भी नहीं है भाई साहब। कितना जन का कवर ये लोग मॉन्स्टर लोग ने मार चुका है और वो क्लाउन ने भी। सो कहाँ ये है वो कवर, तो शायद ये है क्या, हाँ हाँ शायद यही है 100% कन्फर्म यही है। यहाँ पर देखो हम लोग को चाबी मिल चुका है और यस हम लोग को चाबी मिल चुका है। अब जाके हम लोग को डॉक्टर का केबिन खोल सकते हैं, लेकिन एक और मुसीबत शुरू।
हमें शायद इन लोग से नहीं भिड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को शांति से हम लोग को बाहर निकल के हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि यहाँ से इन लोग से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। सो उतना शायद हम लोग के पास मतलब गोली, जितना गोली होगा उतना एनिमी होगा हम लोग का या मॉन्स्टर होगा। सो अभी सबसे पहले हम लोग गेट का बाहर हम लोग आराम से जाते हैं, हम लोग गेट खोलते ही हम लोग ने गेट खोलने के बाद वापस से अब हम लोग को हॉस्पिटल जाना है। सो यहाँ पर देखो इसको हम लोग ऐसे इग्नोर मारेंगे। सो इग्नोर मारते हुए इसे अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, सो आपके पास अगर मैप होगा यहाँ पर शायद आपको फर्स्ट में मैप भी दिया होगा, तो वो मैप से आप लोग देख लेना कि कहाँ जाना है। हम लोग आगे बढ़ते हुए सो चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ शायद हम लोग को सामान मिल जाए, जैसे गोली बंदूक गोली मिल जाए। हाँ गोली काम आएगा, अभी हम लोग को बहुत ज़रूरत है। सो हम लोग आगे बढ़ते 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 यहाँ पर ये हम लोग कहाँ पर पहुँच गए भाई? ओ ये डोर, हाँ ये डोर से आपको पार होके जाना है आपको। सो यहाँ पर आई थिंक ये फायर ब्रिगेड का यहाँ पर देखिए फायर ट्रक मिल चुका है। सो यहाँ पर हम लोग ये पाइप उठा लेंगे, उसके बाद इसे पिकअप करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहाँ जाएंगे सभी को पता, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। सो चलो यहाँ से हॉस्पिटल हम लोग निकलते हैं, मैप से हम लोग वो हॉस्पिटल का रास्ता देख लिया, हम लोग को पता है कहाँ जाना है। सो यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते 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 और शायद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी गाड़ी उल्टा उल्टा शायद हम लोग हॉस्पिटल पहुँच ही गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये यहाँ से भी आपको जाने से होगा, तो यहीं से हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच ही गए। हाँ सो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो डॉक्टर के केबिन से हम लोग को एक इंजेक्शन लेना है और एक डोज लेना है, जिसका मदद से हम लोग अपना बहन को ठीक कर पाएंगे। हाँ सो अब हम लोग हॉस्पिटल के आगे बढ़ते हुए सो ये दरवाजे से हम लोग को पार जाना है, ये दरवाजे से पार होकर फिर ऊपर हम लोग को उठ के जाना होगा। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर देखो भाई ऊपर का तो जो छेद था ऊपर वो कितना ज़्यादा डरावना लगता है, यहाँ पर तो नहीं लेकिन शायद यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा। यहाँ से सीधा जाने के बाद शायद राइट लेना पड़ेगा, हाँ राइट लेना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से राइट लेने के बाद हम लोग को यहाँ से नहीं, ये हाँ यही दरवाजा है शायद, नहीं ये लॉक्ड है, यहाँ से ये हाँ शायद यही जाना होगा मुझे भी। हाँ आगे हम लोग डॉक्टर के केबिन पे, तो ये हम लोग गेट खोले तो यहाँ पर इंजेक्शन गन हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को एक कार्ड भी मिल चुका है। हाँ गेट की कार्ड हम लोग को कार्ड भी मिल चुका है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको छोड़ो, इसको हम लोग इसको बाद में देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते 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 सो और आगे बढ़ते हुए हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को किसी से भिड़ना नहीं, हम लोग को वापस से अपने घर जाना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर आगे चलते 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 भाई कहाँ ये रास्ता ख़त्म होगा? ओ भाई हम लोग ने एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, हाँ हम लोग ने इंजेक्शन तो ले लिया लेकिन हम लोग ने उसका डोज नहीं लिया, तो शायद वो डोज कहाँ पर मिलेगा? हम लोग को यहीं से जाना पड़ेगा, गेट पार होने के बाद वापस हम लोग वहीं पर आ जाएंगे। तो हम लोग को शायद एलिवेटर से हम लोग को जाना पड़ेगा, जो हम लोग को कार्ड मिला है। नहीं यहाँ तो नहीं होगा शायद, कहाँ गया भाई एलिवेटर? हाँ यहाँ से जो हम लोग को कार्ड मिला है इससे हम लोग स्वाइप अप करेंगे। सो यस हम लोग को एलिवेटर का दरवाज़ा खुल चुका है, हम लोग ऊपर जाएंगे। हाँ ऊपर जाने के बाद ये गेट यहाँ से खुलेगा और यहाँ पर गेट ये खुल चुका है और इसके अंदर जाएंगे। गेट फाइंड टू वे इन द रेफ्रिजरेटर रूम, रेफ्रिजरेटर रूम हम लोग को जाना है। ये दरवाज़ा बंद है, हम लोग को इसे इग्नोर मारो। सो अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग को ये मतलब ये फायर अलार्म है, इसे हम लोग को कैसे करके जलाना पड़ेगा। तो अब ये रूम हम लोग खोलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एक पहली आ जाएगा, जैसे हम लोग दाबेंगे सबसे पहले ये बटन, थर्ड फर्स्ट और फिर सेकंड फिर फोर्थ। हाँ तो अब हम लोग यहाँ से इसे खोलते हुए ये थर्ड, ये शायद फर्स्ट, हाँ ये सही है, ये सेकेंड और ये फोर्थ। हाँ अब हम लोग का खुल चुका है। ले वो यहाँ पर कुछ सामान भी है जो चलो उठा लेते हैं। वही भाई वाह भाई मज़ा आ गया भाई, मेडकिट या एडकिट वो सीखते जो हम लोग को मिल गया, शॉटगन एमओ भी हम लोग को मिल चुका है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाके इस फायर अलार्म को हम लोग दबाएंगे। सो यहाँ पर देखो जैसे फायर अलार्म दबेगा तो एक दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा और वो रेफ्रिजरेटर रूम जो मैंने पहले आपको बोला था वहाँ से आप लोग को वो मिल जाएगा, डोज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर रूम में ही जाते हैं। रेफ्रिजरेटर रूम में जाने के बाद थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गया। हम लोग को ये गन में इंजेक्शन लोग फिट कर लिया, अब हम लोग को डायरेक्ट घर जाना है और घर जाने के बाद हम लोग को अपने बहन को ठीक कर पाएंगे। शायद हम लोग ने गेम पार कर लिया होगा, अब हम लोग वापस अपने घर चलते हैं। सो ये हॉस्पिटल का गेट से हम लोग को वापस बाहर जा रहा है, हम लोग वापस अपने घर, शायद हम लोग ने गेम पार कर ही लिया होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अब वो इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हम लोग का सिस्टर, हम लोग का जो बहन है उन लोग ठीक हो पाता है या नहीं। सो हम लोग यहाँ से हम लोग जाते हुए यहाँ पर कोई भी आपको भी, अभी मुझे यहाँ से किसी से भिड़ना नहीं है, सिर्फ मेरे को जल्दी अपना घर जाके अपना काम कंप्लीट करना है। हाँ सो इस मॉन्स्टर लोग को इग्नोर मारो, वो जो अलग दुनिया से जो प्राणी है उसको इग्नोर मारो। सो हम लोग यहाँ से सीधे चलते 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 यहाँ पर हम लोग शायद हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं। हाँ लेफ्ट से शायद हम लोग को वापस से वो दरवाज़ा के पार जाना पड़ेगा। हाँ ये गेट के पार हम लोग जाएंगे तभी जा करके हम लोग अपना शायद घर पहुँच पाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से फिर हम लोग को लेफ्ट लेके हम लोग को सीधा जाना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हाँ यहाँ से हम लोग को सीधा जाना, लेफ्ट लेके सीधा जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को ये जो गाड़ी दिख रहा है ना, ये गाड़ी से हम लोग को शायद राइट लेना पड़ेगा अभी, नहीं नहीं हाँ राइट लेना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता बंद है। राइट लेने के बाद हम लोग को जल्दी से सीधा जाना पड़ेगा, जल्दी घर चलो भाई बहन को ठीक करना है। शायद हम लोग ने गेम पार कर ही लिया लेकिन फिर भी वो इंजेक्शन लगाने के बाद देखते कि बहन ठीक होता है या नहीं। हम लोग ये शायद ये सामने से ग्रेवयार्ड गया या नहीं, हाँ शायद सामने से ग्रेवयार्ड गया होगा लेकिन छोड़ो।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लोग लेफ्ट लेंगे। यहाँ पर देखो पुलिस व्हीकल आ चुकी है, मतलब पुलिस व्हीकल आ चुके हैं हम लोग को, मतलब पुलिस का गाड़ी आ चुका है, मतलब हम लोग अपना घर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यही से हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग ने शुरू किया था। सो अब यहाँ पर शायद यही हम लोग करें, हाँ लाल तो दरवाज़ा यही है। यस हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं, लोग बहुत सुरक्षित तरीके से घर तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने बहन को, खोजते हैं बहन का रूम कहाँ गया। ये दरवाज़ा हम लोग को शायद खोलना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर हम लोग को बहन मिल चुका है, हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं उसको। ये दरवाज़ा खोल देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। गाइस पूरा मेहनत बर्बाद गया है, क्योंकि जितना भी मैंने इंजेक्शन लाया, जितना भी मैंने मेहनत किया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि उसका माइंड अभी भी वो क्लाउन कंट्रोल करके रख चुका है। अब हम लोग को डेथ पार्क जाना है, तो इसका डेथ पार्क का भी जल्दी वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। हाँ सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इसका जल्दी हम लोग डेथ पार्क वाला वीडियो भी हम लोग जल्दी लाएंगे इस चैनल पर। हाँ